हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो लाई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं आपे, तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 कप सूजी लेनी है। जितना भी आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले, कम बनाना है तो कम क्वांटिटी में ले। तो हमने यहाँ पर ना कम से कम 2 कप ले लिए हैं, और इसमें हम 2 से 3 कप, और इसमें हम डाल रहे हैं दही। तो हम इसमें दही डाल रहे हैं, दही हम इसमें इतनी क्वांटिटी में डालेंगे जिससे ये ना मिक्स हो जाए। तो हमने इसको बढ़िया तरीके से इसमें मेल्ट करना है और इसको घुमाना है बढ़िया तरीके से, जब तक सूजी सारी की सारी इसमें मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें जो बचा कुचा दही भी था वो भी इसमें डाल दिया है। मैंने दही के साथ ही आपको इसको मिक्स करना है, तो इसको मिक्स करना है हमें बढ़िया तरीके से, इसका बैटर बनाना है। उसके बाद जब बैटर हमारा तैयार हो जाएगा, उसमें हमें क्या क्या डालना है ये देख लीजिए। ये देखिए बैटर हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें डालनी है काली मिर्च पाउडर, और क्या कहते हैं आपका, गरम मसाला थोड़ा सा, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि भाई हर चीज़ में नमक के बिना तो स्वाद आता है नहीं। तो ये हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएंगी हमारी सब्जियाँ। तो सबसे पहले हमने ना टमाटर चॉप कर रखा था, तो टमाटर डालेंगे। उसके बाद हमने चॉप करे हैं प्याज, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। सबके सब ना आपको बहुत ही बारीक चॉप करने हैं। आप देख सकते हैं कितना बारीक चॉप हुआ है, और इसको हमने बढ़िया तरीके से फेंट लेना है। फिर हमने इसमें डालना चाहते हैं तो हम इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसमें ना पनीर भी ऐड कर दिया है। अब चलिए इसको हम बढ़िया तरीके से फेंट लेते हैं। इसके बाद ना एप्पे बनाने का एक बर्तन आता है, ये आपके पास होना चाहिए, इसी में ये बैटर बनता है। तो हमने जो भी बैटर है ना उसको इसमें डालने से पहले इसमें ऑयल लगा लेना है ब्रश से। तो ये देखिए, इसमें सारे में हमने ऑयल लगा रखा है, और एक एक चम्मच जितना इसमें आता है छोटे से चम्मच से इसमें हमें डालना है। तो हम सारे के सारों में ऐसे ही डाल लेंगे। अब इसको सारा डालने के बाद हमको ना इसको स्टीम देनी है, पकने देना है। तो इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद देखिए, हमने इस हल्का हल्का जब ये फूल गया है तो इसके ऊपर से हमने हल्का सा इसको पलटा लेना है। देखिए, चम्मच के माध्यम से हम पलटा रहे हैं। ये देखिए, आराम से कीजिएगा, क्योंकि सूजी ना बहुत सॉफ्ट होती है, टूटने का डर है। तो ये देखिए, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पलटा लिया है, और क्योंकि एक तरफ से तो ये सिक चुका है तो दोनों तरफ सिकना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टेस्टी हैं और खाने में भी बहुत हेल्दी हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जल्दी लेकर आऊँगी। बाय बाय।